जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इस बीच जनता की शक्ति यानी वोटों का अपनी ओर रुख करने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के वादे करते नजर आ रही हैं। इन्हीं एक वादों में से एक दरबार मूव प्रथा की बहाली का वादा भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया है। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस प्रथा को फिर से शुरू करने की बात कही गई है। यहां पर काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा 150 साल से भी अधिक पुरानी है। इस प्रथा के तहत हर 6 महीने में जम्मू कश्मीर की राजधानी बदल दी जाती थी। सर्दियों में राजधानी जम्मू और गर्मियों में कश्मीर राजधानी होती थी। राजधानी बदलने के दौरान सभी जरूरी दफ्तर और सचिवालय को राजधानी के अनुरूप स्थानांतरित कर दिया जाता था और सारा जरूरत का सामान व कागजात ट्रकों में भरकर दूसरी ओर स्थानांतरित राजधानी में पहुंचाया जाता था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह शुरू हुई कब, तो आपको बता दें यह प्रथा 1872 में डोगरा शासक महाराज रणवीर सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन क्या राजधानी बदलाव के पीछे सिर्फ मौसमी कारण था या कुछ और, तो मानना यह भी है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी थे। दरअसल 1870 के दशक में रूसी सेना का मध्य एशिया की तरफ आगमन हुआ और रूस की सेना की नजरें कश्मीर घाटी के ऊपर होने के डर से अंग्रेजों ने दरबार को मूव किया, तब इस प्रथा की शुरुआत हुई। दस्तावेजों के मुताबिक 1873 में अंग्रेजों और रूसियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद 1889 में अंग्रेजों ने कश्मीर को सीमावर्ती राज्य बना दिया और अगले 35 सालों तक जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह सिर्फ नाम के ही राजा रहे। चलती अंग्रेजी शासन की थी और 1924 से जब अंग्रेजों के मन से रूसी सेना का डर चले जाने से महाराजा को उनकी ताकत वापस मिली। हालांकि अगले ही साल 1925 में महाराजा प्रताप सिंह के निधन के बाद महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। इसके बाद जब फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन इसका विरोध हुआ। मई 2020 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दरबार प्रथा को समय की बर्बादी बताया और सरकार को स्थायी समाधान करने को कहा। जून 2021 में ही सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इसको खत्म करने के पीछे की वजह आर्थिकी भी थी, क्योंकि दो दो राजधानियों की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में इसी दरबार प्रथा को लाने की बात कही गई है। तो अब देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में पार्टियों का दरबार प्रथा को फिर से लाने का वादा किस तरह से मुद्दा बनता है। लेकिन चुनावी समुद्र में पार्टियों के इस प्रकार की वादों की लहरों पर आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी।